प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कुछ तो वैसे क्लास स्टार्ट हो रही है। बोलते जो Now we'll see how the local chef in school. Oh, message ma, ask my mom to come up. Who is there downstairs? Hey, ma'am, can you hear me? Hey, ma'am, sorry. Oh, no, अब हर जगह पे राजा तो खुद नहीं रह सकता ना, देखने के लिए काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने किसे रखा था? लोकल चैंपियंस को रखा था। और वो क्या करते थे? रूल कैसे हो रहा है या नहीं ये इस बात को देखा करते। और ऐसे आपके पास सेवन लोकल चैंपियंस के नाम बताए। सेवेन कौन कौन है बेटा? परी, ओरी, मलयन, लिनी, पेटन, आय और नली। ये लोग कौन है बेटा? ये अलग अलग सात तरीके के ऐसे लोग हैं जो लोकल चैंपियंस थे, जो लोकली उन पर्टिकुलर एरिया पर रूल किया करते थे। इनमें से कुछ जो चैंपियंस थे वो बहुत ज्यादा पोएट्स को क्या करते थे? पैट्रोनेज देते थे। पैट्रोनेज का मतलब समझते हो आप? क्या होता है पैट्रोनेज? हाँ, क्या हुआ? पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी को अपना पैट्रन बनाना, यानी किसी को पैसे देकर या अपॉइंट करके अपने पास नियुक्त करके उससे क्या करना, उसे देना एक यू नो एक अच्छी बातें अपने बारे में लिखवाना अपने बुक में। इसे क्या कहते हैं? पैट्रोनेज कहते हैं। एक एक ऐसा स्टोरी भी जाता है बेटा, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था अवैयर। हाँ, अवैयर नाम की बूढ़ी औरत थी और वो कौन सी? एक पोएटस थी। पोएटस वो एक बार चेरा किंगडम में गई थी। चेरा राजा जो थे अधिगमन अधि अधियमन 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 राजा के पास वो गई थी, क्योंकि उनके बीच कुछ, ये जो औरत थी बेटा ये चोला किंगडम से बिलोंग करती थी और ये गई थी चेरा के अधियमन राजा के पास। अब क्यों गई थी ये? वैसे तो एक पोएटस थी, पोएटस का काम तो पोएम लिखना होता है, लेकिन वो फिर भी चेरा राजा अधियमन के पास गई थी क्योंकि इन दोनों में आपस में कुछ झगड़ा हो रहा था। तो उस झगड़ा को सुलझाने के लिए वो इनके पास गई। किंग ये है बेटा, ये किंग है। और ये किंग कहाँ के है? चेरा के। चोला के किंग अलग, चोला के किंग का चेरा के किंग के साथ क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। तो उसको सुलझाने के लिए कौन गई थी बेटा? पोएटस अवैया। और ये क्या बन गई थी? डिप्लोमैट बन गई थी। ओके, फिर देखिए आपको ना यहाँ एक और बात दी गई है, संगम पोएट कपिलार। यहाँ एक पोएट की बात आती है, पोएट का नाम क्या है बेटा? कपिलार। ये एरो हटा दी गई, यहाँ ये एरो की जरूरत है। मैंने यहाँ परी लिखा था, परी ये कोई सपनों में आने वाली परी नहीं है,
ये क्या है बेटा, लोकल चिफ्टन का एक सेक्ट है, एक ग्रुप है जिसका नाम क्या था, परी। तो ये परी के दो बेटियां जो थी वो बिल्कुल क्या हो गई थी, ऑर्फन बन गई थी। कब कब, जब इसकी मौत हो गई थी ना परी की, तब उसकी दो बेटियां क्या हो गई थी, ऑर्फन सी हो गई थी। तो तब इन दोनों की देखना किसने किया बेटा, कपिलार नाम के एक पोएट ने। इससे आपको क्या समझ में आता है कि किस तरह का यू नो कॉर्डियल रिलेशन था बिटवीन द पोएट एंड द लोकल चिफ्टन। समझ रहे हो आप किस हद की दोस्ती थी, कितना वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। कि कौन, परी जो था एक लोकल चिफ्टन था और कपिलार कौन था, एक पोएट था। लेकिन फिर भी जब परी मर गया तो उसकी दो बेटियों की देखभाल किसने की, उस पोएट कपिलार की। तब समझे यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा। अब हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सोसाइटी किस तरह की, जब हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, जितना कॉम्प्लेक्स क्यों है, सोसाइटी की बातें करते हैं ना, सोशल क्लास। एक तो उस समय बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे, कैसे ग्रुप थे, ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे। उसके साथ साथ और क्या थे, ट्रेडिशनल कास्ट भी हुआ करते थे। ट्रेडिशनल कास्ट कहीं तो क्या होता है उसमें, यू नो बेसिकली कुछ पुराने जात वगैरह होते थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय एंड लेकिन ऐसा कम्प्लीट डिविजन बेटा नहीं था। जो भी मैंने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका कंप्लीट डिविजन उस सोसाइटी में नहीं था। वो लोग ज्यादा इस तरीके के डिफरेंशिएशन को नहीं मानते थे। उनमें बेसिकली दो ही चीज थी, एक था हाई बॉर्न और दूसरा क्या था बता, लो बॉर्न। जो भी ऊंचे कुल का है और कोई अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसको नीचे कुल का माना था। ऐसा नहीं था कि तीन चार अलग अलग सेक्ट बनाते हो, जैसे वर्णा सिस्टम बाकी इंडिया में था, वैसे साउथ इंडिया में नहीं था। तो जो लोग हाई बॉर्न थे वो बेसिकली क्या हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे और उन्हें पैट्रनेज किसका मिलता था बेटा, किंग का होता था। जो राजा होते थे उन्हें बहुत सारे पैसे देकर अपने पास रखा करते थे। और जो लो बॉर्न की जो सोसाइटी हुआ करती थी बेसिकली वो कैसी थी, कास्टलेस, यानी कि उसमें अलग अलग जो कास्ट अभी आप देख पाते हो उस तरह के कास्ट अभी नहीं हुआ करते थे, जैसे एससी एसटी ओबीसी ये सारे जो कास्ट अभी हम देखते हैं अलग अलग सेग्रीगेशन में, उस टाइम पे वो नहीं था। उस टाइम पे क्या था, सिर्फ हाई बॉर्न और लो बॉर्न, तो ये कोई डिस्टिंक्शन था। और आपका जो एक बुक है जो हमने कल डिस्कस किया था टोल का फियम, उस बुक में आपको क्या पता चला, जो बुक है उसमें एक और चीज बेटा पता चलती है कि उन्होंने चार कास्ट के बारे में बेसिकली बात की। और ये चारों कास्ट को उन्होंने कैसे बात किया, प्रोफेशन के बेसिस पर। पहला कास्ट उन्होंने क्या बताया है, ब्राह्मण का बताया है। दूसरा क्या बताया, ट्रेडर्स का बताया है, किंग्स का बताया है, फार्मर्स का बताया है। मतलब उन्हें किसी से मतलब है तो बस ये चार ही ग्रुप से उन्हें क्या है, मतलब है। बाकी कोई कुछ प्रोफेशन ले ना ले, करता हो ना करता हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन सभी को वो क्या कंसिडर कर लेंगे, लो बॉर्न, ठीक है। सो बेसिकली दो ही चीजें इसमें ज्यादा आपको याद रखनी है, एक तो सोसाइटी कैसी थी, हाई बॉर्न और लो बॉर्न के बीच डिस्टिंग्विश थी। हाई बॉर्न में ब्राह्मण के बहुत सारे लोग आते थे, लो बॉर्न में सारे जो नीचे कुल के लोग थे उन्हें कंसिडर कर लिया जाता था। और जो हाई बॉर्न लोग थे बस वही इस जात पात को हाई या लो का डिस्टिंक्शन किया करते थे। जो लो बॉर्न लोग थे उन्हें आपस में किसी भी ऊंच नीच की कोई फर्क नहीं पड़ता था।
टोलकपियम बुक में चार प्रोफेशन के ऊपर से क्या किया है, कास्ट का डिस्टिंक्शन दिया है, एक है ब्राह्मण, दूसरा है किंग, तीसरा था ट्रेडर्स एंड चौथा है हर्ट्स। और बेसिकली कैसा था इनका सोशल स्ट्रक्चर, सांस्कृतिक था। व्हाट डू यू मीन बाय सांस्कृतिक, यानी जो आपके वेद और पुराणों में जो कुछ भी बातें लिखी गई है इसे ये लोग बहुत सीरियसली मानते थे। उसको ये सारी बातें किस लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है, तो वो इस सारी चीजों को क्या करते थे, बहुत सीरियसली एक्सेप्ट करते थे, बहुत अच्छे से इन्हें माना करते थे। ब्राह्मण को क्या बहुत अच्छा दर्जा था, रिस्पेक्टेबल दर्जा था, उन्हें लर्न कम्युनिटी समझी जाती थी और ये अपने ड्यूटीज बहुत अच्छे से किया करते थे। यूजुअली ब्राह्मण्स क्या होते थे बेटा, ये होते थे प्रीस्ट और एस्ट्रोलॉजर, प्रीस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स। और ये एस्ट्रोलॉजी किसकी करेंगे बेटा, राजा की करेंगे। अब राजा किसी युद्ध पर जा रहा है तो उसे इस बात का पता होना चाहिए ना कि युद्ध में वो जीतेगा या हारेगा, तो उस बात का उसे पहले से पूर्व अनुमान कौन देख कर रखेगा, थोड़ा आइडिया पहले से कौन देख कर रखेगा, एस्ट्रोलॉजर्स देख कर रखेंगे जो थे ब्राह्मण्स। कभी कभी तो ये लोग और एक काम कर लेते थे, वो था जुडिशियल कामों में भी ये अपना योगदान दे रहे थे, यानी किसी को सजा देनी हो, किसी को पेनाल्टी देनी हो, किसी को पनिश करना हो, तो कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। और ये ब्राह्मण जो थे बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के थे, उन्हें अपनी कंट्री और अपना मदर टंग बहुत अच्छा लगता था, कंट्री और मदर टंग से बड़ा प्यार। ये सारी चीजें लिख ली बेटा, दो बार और समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, सुंदर में चप्पू बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं। अब देखते हैं दो बेसिक डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो ट्रेड था बेटा, ट्रेडिंग का जो सिस्टम था यहाँ पे, वो बेसिकली दो लोगों में बटा हुआ था, एक तो थे वैश्यास और दूसरे थे वेल्लरास। अभी जो वैश्यास थे बेटा, इनकी ड्यूटी क्या थी, पढ़ाई करना, इनकी ड्यूटी क्या थी बेटा, पढ़ाई करना थी इनकी ड्यूटी, सैक्रिफाइसेस करना इनकी ड्यूटी थी, और क्या था इनका, गिफ्ट बना के देना। गिफ्ट किसको दे रहे थे ये लोग, गिफ्ट बनाएंगे उनसे, गिफ्ट कौन खरीदेंगे, उनके कंट्री के राजा खरीदेंगे, और किसको, दूसरे कंट्री के राजा। एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन ऑफ काउस एंड ट्रेड, ये सारे काम किसके थे बेटा, वैश्यास के। अब वेल्लरास के काम क्या क्या थे, वेल्लरा को भी लर्निंग की इजाजत थी लेकिन वो उस चीज नहीं पढ़ सकते थे, वो क्या था बेटा, वेदास। इन्हें चार वेदों की पढ़ाई करने से मना था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों की पढ़ाई ये वेल्लरास नहीं कर सकते। They also involved in making of gifts. Gifts बना लेते थे बेटा। ये लोग भी एग्रीकल्चर किया करते थे और ये भी क्या करते थे, ट्रेड एंड वर्शिप किया करते। इसके अलावा ट्रेड
एंड वर्शिप, वर्शिप यानी मंदिरों में इनका आना जाना था, वर्शिप किया सकते थे, वर्शिप तो जानते नहीं, तो वर्शिप में इनकी क्या एक्टिविटी होगी, मंदिर का देखभाल करना, मंदिर की मरम्मत करना, ये सारे काम इनके जो ज्योग्राफी थी बेटा, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे पांच अलग अलग प्रोफेशन। सबसे पहला है कुरिंजी। कुरिंजी का मतलब क्या होता है? हिली फॉरेस्ट, सेकेंड है आपका पलाई। पलाई का मतलब है पार्ड बोन्स। और पार्ड बोन्स का क्या मतलब है? जहां पे स्क्रैक्स हो और कोई वाटर ना हो, नो वाटर, मतलब लैंड हो ना। ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ है बेटा आपके मॉड्यूल में, यस यहाँ पे है मॉड्यूल में, तो यहाँ है टेक्स्ट बुक में आप लोग का देखो भाई बिल्कुल मिल गया बेटा। एक्चुअली उन्होंने ना ज्योग्राफी नहीं लिखी है, उन्होंने फिजियोलॉजी लिखी है, फिजियोग्राफिकल चीजें लिखी है, बट इट इज वन एंड द सेम। थर्ड क्या आ गया आपका? मुलाई। मुलाई क्या होता है? पास्टोरल ट्रैक्ट। अब पेस्टोरल ट्रैक्स है मतलब आप समझ सकते हैं कैसा होगा, ग्रासलैंड होगा, ग्रास होगा तभी तो पेस्टोर होंगे, वहां पे चराई चलवाए जा सकते हैं, यस और नो। और क्या है आपका? मरुतम। मरुतम का क्या मतलब है बेटा? वेटलैंड। वेटलैंड कहाँ होगा? नियर रिवर और एनी वाटर सोर्स, रिवर लेक होगा तो उसे क्या कहेंगे आप? मरुतम। एंड लास्ट है आपका मेटल। मेटल 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 क्या है? लिटोरल लैंड। लिटोरल लैंड का मतलब वो लैंड जो किसी सी या ओशन के पास हो। अब बताओ मुझे यहाँ पे अगर ये सारे अलग अलग ज्योग्राफी होंगे तो यहाँ पे काम क्या क्या होता होगा? अगर हिली फॉरेस्ट है या बैकवुड है तो यहाँ के लोग क्या काम करते होंगे? हंटिंग। हंटिंग का काम करते थे, हंटर्स होंगे यहाँ पे लोग। और अगर कहीं पूरी तरह से नहीं पार्ट होंगे ना बेटा, क्रैक्स है, पानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ के लोग लुटेरे होंगे बेटा, लुटेरे, प्लंडरर्स, एनिमल हस्बेंड्री बेटा ये लोग करेंगे। ठीक है, एनिमल है तो बेटा हमको क्या चाहिए? ग्रास तो चाहिए, क्या खाएंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रेजिंग वाला काम। अभी मैं ग्रेजिंग लिखने वाली हूँ, ये ग्रेजिंग करेंगे, ये क्या करेंगे? ये लुटेरे होंगे, रॉबर्स होंगे, ये ग्रेजिंग करेंगे। ये मरुतम के पास वाले लोग क्या करेंगे बेटा? खेती करेंगे, एग्रीकल्चर। और जहां पे सिर्फ सी है, ओशन है, वहां पे क्या होता होगा? फिशिंग और एक एक्टिविटी हो सकती है, राइस। तो बेटा सी वाटर में कहां? सॉल्ट। तो जहां पे लिटोरल लैंड है वहां पे क्या होगी? फिशिंग and salt extraction. समझे? हाँ, एनिमल हस्बेंड्री भी लिख सकते हैं।
Plunders the plunderers. हाँ plunderers. आप robbers भी लिख लो तो भी बात है. इसके अलावा कुछ लोग थे जो गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ का भी क्या करते थे, काम किया करते थे. गोल्ड स्मिथ कौन होता है? छोटा सा बच्चा है वेरी, वो भी गोल्ड की. और आयरन स्मिथ बेटा कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ सुवार. और पॉटर कौन होते हैं? पॉटर करते हैं. यस, ये सारे लोग इनके प्रोफेशन में अगर ये सारे प्रोफेशन की लोग. अब लिखना बंद कर दो, ये जो इतना लिखा वो लिख के बुक सारे क्लोज कर. अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे. अब देखो इनका फूड और ड्रेस क्या होता था. इनका फूड बेसिकली ये लोग ग्रीन्स खाते थे, नेचुरली एग्रीकल्चर करेंगे तो ग्रीन्स तो खाएंगे. फिर इसके अलावा फ्लैश और फिश. फिश तो किस करेंगे यूज ही होंगे क्योंकि इनका क्या था, सी कोस्ट के पास इनकी जमीनें थी, तो ये सी कोस्ट से क्या करते थे, फिश से आया करते थे. देन इसके अलावा इनके पास वेजिटेबल्स हुआ करते थे, मिल्क हुआ करता था, मिल्क प्रोडक्ट्स भी थे इनके पास क्योंकि ये चरवाहे भी थे, ग्रेजिंग में ले जाते थे एनिमल्स को. तो कौ कैटल ये क्या देगा, दूध तो देगा, तो उससे वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी बना लेते. इसके अलावा आप जानते हो एक ऐसी चीज होती है हार्वेस्टिंग, अगर आपने देखी है किसी ग्रेन की, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा होता है और इस प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा गड्ढा होता है. ये एक ऐसा 3D प्लेटफॉर्म है, समझ लीजिए. ओके, और ऐसा छोटा सा गड्ढा होता है, इसके अंदर एक बड़ी सी डंडी होती है, इसमें ग्रेन्स को डालेंगे और इस पर ऐसे ऐसे क्रश किया, तो क्रश करने से क्या होगा, छोटे छोटे फ्लेक्स उस ग्रेन्स के बाहर आएंगे. इसी ग्रेन्स के फ्लेक्स से वो क्या बनाते थे बेटा, अप्पम. राइस का जो फ्लेक्स इस तरह से निकलेगा उसे फ्लेक्स को कहते थे अवल, और इस अवल से क्या बनाते थे, अप्पम नाम की डिश बनाते. और इस अप्पम को वो क्या करेंगे, दूध में दही में डालकर बहुत अच्छे से नाइस डिश आउट ऑफ इट, और इसे खाएंगे. इसके अलावा बहुत अच्छी डिश इनकी एक और भी हुआ करती थी, वो है फिश. गरम गरम तवे पे से वो जो फिश का फ्राई होता है वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगता था खाने. इसके अलावा एक और चीज भी ये लोग खाया करते थे और वो है टॉर्टोइस का फ्लैश. क्या हुआ बेटा, फ्लैश और टॉर्टोइस. तो इनके खाने पीने के तरीके देखिए बेटा, क्या क्या खाते हैं ये लोग, ग्रीन्स खाएंगे, फ्लैश खाएंगे, फिश खाएंगे, इसके अलावा वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, टॉर्टोइस का फ्लैश, इसके अलावा फिश भी खाते हैं ये. और इनके पास क्या है, अपम नाम की एक अच्छी डिश भी है. अब जहां भी बेटा ये लोग रहते हैं वहां पे एक और चीज भी होती है, वो क्या है, एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में लोगों के पास क्या था, एक तो म्यूजिक और डांस हर किसी कम्युनिटी में होता ही है एंटरटेनमेंट के लिए. तो वुमेन को जब भी टाइम मिलता था तो इसके अलावा बेटा इनके पास म्यूजिक और डांस का भी बहुत शौक था इन लोगों को. इसके अलावा वो बोट फाइटिंग भी कराते थे. बोट फाइटिंग सुना है आप लोगों ने, बोट आपस में फाइट कर रही है. और दूसरा क्या फाइटिंग सुना है, कॉक फाइटिंग, दोनों ही इनके पास पॉपुलर. वैसे तो आज के डेट में कॉक फाइटिंग इज टोटली बैन इन इंडिया, इट इज नॉट अलाउड. क्यों, क्योंकि ये जो कॉक फाइटिंग और गोल्ड फाइटिंग होती है उसमें बहुत बुरी तरह से वो एनिमल्स इंजर्ड हो जाते हैं. कॉक फाइटिंग अभी चालू है, बट अभी भी चालू है.
इलीगली दे डू इट इन आंध्र प्रदेश, मकर संक्रांति होती है ना उस समय में ये लोग करते, अदरवाइज इट इज बैड। इसके अलावा इन्हें शौक और किस चीज का था बेटा, गैम्बलिंग का था। पैसे लगाकर खेलते हैं तो वो गैम्बलिंग होता है। और इसके अलावा ये क्या करते थे, कुश्ती, रेसलिंग। रेसलिंग भी इस हद तक करते थे कि जब तक कोई आदमी मर नहीं जाता तब तक वो उस गेम का एंड नहीं करते। इस हाई एक्सटेंट की क्या हुआ करती थी इनके पास, रेसलिंग हुआ करती थी। और ये इसे गले में पहन लेते थे। क्यों करते थे, ताकि इनके बच्चों को क्या नजर ना आए, नजर पड़े। टाइगर के दो फीट ऐसा अलग अलग एरो लगा के ऐसे लगे रखता है, इससे एरो पर नजर नहीं लगती। और ऑर्पेट अलों में क्या लगा करती थी, हेयर पेस्ट। मतलब उस टाइम पर औरतों के भी क्या बाल तो सफेद होते हैं ना, तो बाल सफेद होने पर वहां पे सलून तो था नहीं, सलून में जाएंगे कैसे, इस्तेमाल नहीं करते थे तो हेयर पेस्ट लगा। ऑर्नामेंट्स जो थे वो दोनों पुरुष और स्त्री, दैट इज मेल फीमेल दोनों ही यूज करते। इसके अलावा वुमेन का पोजीशन देखते हैं, वुमेन का पोजीशन सोसाइटी में इक्वल नहीं था मेंस, पर जितना भी है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में तो बेटर बेटर तो कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फादर अपने बेटी को एजुकेशन दे रहा है तो ये विल एंश्योर कि उसको भी उतना ही क्वालिटी का एजुकेशन मिले जितना उसके बेटे को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बेटियों को ले जाके वर्नाक्युलर मीडियम में डाल दिया और बेटों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई दे दी। आजकल यही होता है बहुत सारे रूरल एरियाज में, आप देख सकते हो ऐसी चीजें, पर उस टाइम पे ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती थी। अगर एजुकेशन देना है तो दोनों बेटा बेटी को समान तरीके का एजुकेशन, नहीं देना तो दोनों को नहीं देंगे, गरीब है नहीं अफोर्ड कर दोनों को नहीं। और इनके जो वाइफ्स हुआ करते थे बेटा, वुमेन का अलग अलग स्टेटस होता था सोसाइटी में। आज भी अगर आप देखो स्टेटस अलग अलग होता है, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती तो दे आर यू नो स्पिंस्टर्स ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, देन देयर आर सम वुमेन हु गेट मैरिड, देन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्यूटीफुल हाउसवाइफ फॉर देयर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, अच्छे से घर का सब सारा काम संभालती थी और घर में अपने पति को बच्चों को खुश रखती थी। इसके अलावा साध्वी भी हुआ करती, साधु तो आप सबको पता है जो साधु होते हैं, they renounce the world and then they take asceticism। तो यहाँ की औरतें भी क्या करती थी, कुछ ऐसी बुद्धिस्ट और जैन औरतें थी जो साध्वी बन जाती, जो दुनियादारी को छोड़कर सारा कुछ छोड़कर वो साध्वी का काम करे। इसके अलावा यहाँ पे दो नाम आपको बताए गए हैं जो की फीमेल एसेटिक थे, यानी मॉन्क थे एसेटिक्स, यानी आपके मॉन्क जो थे उनके दो नाम आपको दिए गए। एक है कौंडी अधिगल, कौंडी अधिगल ये एक साध्वी का नाम है बेटा, ये एक है कौंडी अधिगल। और दूसरी साध्वी थी मणि मेघलाई, मणि मेघलाई, ये दो साध्वी के नाम आपके बुक में आपको दिए। नामों में से कोई एक नाम अपना पेट नेम बनाना नहीं चाहता। इसके अलावा औरतों का एक और रूप होता था, वो थे कोर्टेस, यानी जो नाचती है राजा के लिए, तो अच्छे से अपना तैयार व्यार करके राजा के दरबार में डांस करती थी, उन्हें कहा जाता था कोर्टेस। औरतों को खुली तरह से मूवमेंट करने का खुली छूट थी, उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि बस आप घर में ही बनकर रहेंगे, आप जाओ तो बाहर जा सकते हो, पढ़ने जा सकते हो, सीखने जा सकते हो, जॉब करने जाना जा सकते हो। तो ओवरऑल ऐसा कुछ बंधन नहीं था औरतों के मूवमेंट पर, जहाँ कहीं भी चाह के जा सकते। इसके अलावा एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दू, कर्णमगी का, कर्णमगी का वर्शिप बहुत यहाँ पे फेमस है। कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी बच्चों आपको याद है, कोवलम को अरेस्ट कराया था एक राजा ने,
उसकी वाइफ ने उसको एक हार दिया था, तो वो जो वाइफ थी ना बेटा, वाइफ का नाम ही क्या है, कंडंगी। वो मुझे कल नहीं याद आ रहा था तो मैंने नहीं बता। तो कंडंगी वाइफ थी उसकी, तो उसे क्या देते हैं, बहुत अच्छा स्टेटस देते हैं, उसे पट्टिनी का भी स्टेटस देते हैं, एक अच्छा लेवल है इनका उस सोसाइटी में। इन्हें क्या कहते हैं, चेस्ट लेडी, और इनकी पूजा की जाती है, दे कंसिडर एज अ गॉडेसेस। क्यों? क्योंकि उनके पति ने उनको धोखा देने के बावजूद भी उन्होंने वापस उसको एक्सेप्ट किया था और अपने फैमिली को जोड़ कर रखने की कोशिश की थी। तो ये यूजुअली पॉसिबल तो नहीं है ना, कोई बेवफा हस्बैंड को वापस भी एक्सेप्ट करेगा, बता दे। तो इन्होंने किया था, तो इनका जो सैक्रिफाइस है, बड़ा दिल है उनका, उस बड़े दिल को दिखाने के लिए ये इनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। इनके जो पोर्ट्रेट्स थे बेटा, इमेजेस थे पट्टिनी और कनंगी के, वो अभी अभी तक लेटेस्ट इनके इमेजेस अभी भी सेफ है किस टेम्पल में तमिलनाडु के, लेकिन अब ये नहीं मिलते, maybe because of some famine or some drought या earthquake में खराब हो गए, बट ये शुरुआत में तो सेफ के रहे थे। और ये जो वर्शिप करने का इनका ट्रेंड है, कनंगी का वर्शिप या पट्टिनी का जो वर्शिप करने का ट्रेंड है, वो आपको मालदीव्स और श्रीलंका तक फैला हुआ मिलेगा। कहाँ तक फैला हुआ मिलेगा आपको? मालदीव्स और श्रीलंका तक, पट्टी से मालवा, और मालवा इन द नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इन द साउथ। यू कैन सी दैट दे आर वर्शिपिंग दिस वुमन कनंगी। इसके अलावा यहाँ पे मैरिज की भी बात होती है, नो नीड टू राइट ऑल दिस, यू हैव इट इन योर बुक, आपके बुक में सारी बातें हैं। नेक्स्ट आपके बुक में बताया गया है मैरिज के बारे में। यहाँ के लोग शादियों पे ज्यादा ये लोग बॉन्ड एंड शो नहीं किया करते थे। शादियां दो टाइप की होती थी, एक जो पिताजी के सजेशन से हुई हो, पिताजी और दोनों बेटे बेटी दोनों की शादियां बहुत अच्छे से एग्रीमेंट से एग्री होके आशीर्वाद देकर के करते हैं, वो टाइप की भी शादी होती थी। लड़कियां भाग कर भी शादी कर लेती थी, तो दोनों टाइप की शादियां। तो जो अच्छे से होने वाली शादी थी उसे क्या कहेंगे, विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता शादी करवा के दे रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन अलायंस। और दूसरा होता था सीक्रेट मैरिजेस, तो पता ही नहीं दोनों शादी शुदा है। क्या हुआ, हाँ वाकई शादी कर देंगे दोनों, तो कैसे पता चलेगा दोनों की शादी हुई है? लिखा है भाई, मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा, उनके बुक में जो है वही बता रही हूँ। इनके अलावा बेटा इनके पास जो मैरिज के प्रोसीजर थे वो कुछ ज्यादा बड़े और एलैबोरेट नहीं थे। प्रोसीजर्स तो काफी लेट आए शादी के, जो लेटर वर्क है आपके पास लाइक कोल्काफियम एंड शादी का प्रथा जो होता है वो इंट्रोड्यूस दे इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स एंड सेरेमनी, मतलब वो सप्तवती करना, फिर वो मंगल सूत्र पहनाना, मैंने वही लिखा है ना बेटा, KAWIYAL क्या है आपके बुक में? KALAWIYAL ये है आपको, देख लो आपके बुक में जो है वो लिख लेना, आप ये नहीं है तो दूसरा जो है वो लिख लेना, ठीक है? बच्चे पढ़ने से ज्यादा अंदर दिया है इसका नाम है। जो आर्यंस थे बेटा उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया शादी के रिचुअल्स प्रोसीजर्स तरीके को, और ना पहले इनके पास शादी के ज्यादा एलोबरेट रिचुअल्स नहीं हुआ करते थे, बस पेरेंट्स का एग्रीमेंट है वो जैसी खुशी से कर रहे हैं तो हो जाती थी शादी, नहीं है शादी खुशी तो आपके शादी कर रहे।
देन इन्होंने क्या क्या आर्यंस में रिचुअल्स इंट्रोड्यूस किए, तब से रिचुअल्स आ गए। फिर इसके अलावा धीरे धीरे आगे चल के आठ टाइप की शादियों का रिकॉग्निशन आ गया। एट टाइप्स ऑफ विवाह, अष्ट विवाह कहते हैं, पहले होता है ब्रह्म विवाह, अर्ष विवाह, पैशाच विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। आठ टाइप के अलग अलग विवाह होते हैं जो धर्म शास्त्र में बताए गए हैं। तो धर्म शास्त्र के ये अलग अलग विवाहों को भी क्या मिल गया, इनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल गया। शादी करवा दी, अब चलते हैं पैसे पे। शादी तो हो गई, पैसा कहाँ से आएगा, घर चलाना है, बच्चे पैसे मांगेंगे। पैसे का देखो अब इकोनॉमी कैसी है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, ठीक है, समझ तो आ रहा है, ये सब लिखना था नहीं पढ़ लो, उसमें जो जरूरी था उतना लिख लियो आप लोग। अब देखते हैं इनके पास इकोनॉमी कैसी थी। आपका क्वेश्चन भी ज्यादा बाकी है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा लिखवाने पर फोकस नहीं कर रही हूँ, जल्दी पढ़ा दूंगी तो पॉइंट्स तो कम से कम समझ आ जाएंगे। इकोनॉमी में क्या था, ये लोग सिंपल थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। सिंपल थे यानी ज्यादा चमकीले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते थे, या ज्यादा लग्जरी इन्हें पसंद नहीं थी, या ज्यादा शॉफ करना अच्छा नहीं लगता था, ये ज्यादातर सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते। और सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो अपने जीवन के लिए जितना भी चीजें उनको चाहिए वो खुद ही उसे कर लेते थे, पैदा कर लेते थे या उगा लेते थे या खुद उसे मैन्युफैक्चर कर लेते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनको अगर पांच बोरी चावल चाहिए, अनाज चाहिए, तो उसे खुद ही उगा ले, ठीक है। तो कंप्लीटली कैसी थी इनकी सोसाइटी, सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पर हर तरीके के लोग हुआ करते थे, वेल्दी भी लोग थे और पुअर लोग भी थे। वेल्दी तो नेचुरली वो लोग होंगे ना जो इंडस्ट्री वगैरह चला रहे, तो जिनके पास इंडस्ट्रीज थी वो क्या करते थे, खुद के लिए तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बना लेते थे, साथ साथ दूसरे जगहों पर भी इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते, एक्सपोर्ट करवाते थे। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि सिंपल है, मतलब बस जो है उसी में पैर फंसा के बैठ गए, कुछ कोशिश ही नहीं करना है, कुछ ज्यादा कमाना नहीं है, ऐसी नहीं थी क्या गलत, उन्हें अच्छा लगता था ज्यादा कुछ कमाना, लेकिन वो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते। जो लोग वेल्दी होते थे वो किंग के आगे पीछे घूमने वाले लोग होते थे, किंग और रूलर्स को बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलने वाले लोग ही क्या होते थे, वेल्दी होते थे। और जो लोग पुअर होते थे उनके साथ कोई यू नो आउटकास्टेड बिहेवियर नहीं करता। अभी के सोसाइटी में आप देखो, क्या आपने कभी देखा है अमिताभ बच्चन को या किसी अमीर इंसान को किसी गरीब के साथ बैठकर खाना खाते हुए या फ्रेंडशिप बनाते हुए, नहीं, वेरी रेयरली, अगर देखा भी हो तो काफी रेयरली देखी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो गरीब है तो गरीब लोगों के साथ अमीर लोग उठना बैठना नहीं चाहते आज के सोसाइटी। लेकिन उस समय के सुंदर एज के सोसाइटी में अगर कोई पुअर है तो उसे आउटकास्ट नहीं किया जाता था। अगर किसी अमीर सेठ की शादी हो गई है तो वो इंश्योर करेगा कि गाँव के सभी लोगों को इन्विटेशन दिया, फिर वो अमीर हो गए तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। और ये जो लोग पुअर होते थे ना बेटा, उनकी पॉवर्टी का वजह इनके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसे माना जाता था। हाँ, तो अगर गरीब है तो वो गरीब अपने किसी पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से है, और उसका आज के प्रेजेंट से उसका क्या लेना देना, भाई गरीब है तो गरीब है, उसको एक्सेप्ट कर लो, इस तरह की क्या। यहाँ पे जो पुअर लोग होते थे बेटा वो यूजुअली कौन होते थे, जो फार्मर्स होते थे वो पुअर होते थे, और कैजुअल लेबरर्स। कैजुअल लेबरर्स मतलब आज काम मिला कर लिया, कल काम नहीं मिला तो नहीं किया। इसके अलावा मिनिस्ट्रेल्स, मिनिस्ट्रेल्स का मतलब मिनिस्ट्रेल्स यानी वो लोग जो गांव गांव में गाना या पोयम गाते गाते थे ना, उन्हें मिनिस्ट्रेल्स कहा जाता। Those who will roam, wander from here and there, wander from here and there, singing poems and bards. Agriculture was the main occupation for agriculture. सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं साउथ में,
राइस तो इनका मेन क्रॉप था राइस लेकिन राइस के साथ साथ ये कॉटन रागी शुगर पेपर जिंजर कार्डमम टर्मरिक सिनेमा हम इसको याद कैसे रखें एक छोटा सा निमोनिक है पहले तो राइस आपको क्या रखना है याद रखना है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप फिर आपको लिखना है C3 ग्रुप कॉटन कार्डमम सिनेमा तीन चीज है तो C3 फिर आपको लिखना है R फॉर क्या आएगा बेटा यहाँ रागी ये है रागी का R फिर आपको लिखना है S दैट इज फॉर शुगर केन T लिखना है पेपर के लिए G लिखना है जिंजर के लिए और T लिखना है टर्मरिक के लिए ये RSP की क्लास होती है आपके स्कूल में RSP होता है वहाँ पे आपको ना वाइट यूनिफॉर्म पहना कर RSP का लेबल लगाते हैं सबके स्कूल में शायद नहीं होता है लेकिन RSP के क्लास स्कूल्स में होते हैं क्या है RSP RSP का रोड सेफ्टी पेट्रोलिंग किया रोड सेफ्टी पेट्रोलिंग ये होता है RSP का फुल फॉर्म तो आप इसे इस तरह याद रखें RC3 और ये GP लिख लो पहले RSP ऐसा छोटा निमोनिक की तरह बना के आप इनके क्रॉस को क्या है याद इसके अलावा इसके अलावा बेटा चेहरा जो रीजन था चेहरा कहीं आप लोगों ने पढ़ा है यस चेहरा में क्या क्या ग्रो करता था जैकफ्रूट ग्रो करता था एंड करता है अभी भी पेपर और टर्मरिक चोला किंगडम में बहुत सारा राइस ग्रो करता था इसीलिए आपके बुक में क्या दिया पैट इसके अलावा बहुत सारे गांवों में वो लोग रागी और शुगर केन भी ग्रो किया आप इसे इस तरह से याद रखेंगे चोला के लिए क्या है JPT आया था आपका चोला के लिए रूरल एरिया में क्या आएगा रागी और शुगर केन RS इसके अलावा बेटा इनके अलग अलग ऑक्यूपेशन थे ऐसा नहीं कि बस खेती बाड़ी करके सो गए ये लोग स्पिनिंग भी क्या करते थे स्पिनिंग वीविंग कपड़ा बनाने का होता है ये सारे प्रोसेस ये लोग ये काम भी किया कर अब इनके जो कॉटन है सिल्क है वो आज भी फेमस है ना बेटा कांजीवरम सिल्क साड़ीज और मैसूर सिल्क साड़ीज बैंगलोर सिल्क साड़ीज बहुत फेमस है तो इनकी सिल्क तभी से ही बहुत अच्छी हुआ करती थी फिर इसके अलावा ये जो स्पिनिंग का काम था वो अक्सर कौन करता था वुमन करते थे जब अपने पार्ट टाइम उनको स्पेयर टाइम मिल जाता था तो ये पार्ट टाइम एक्टिविटी हुआ करती थी ये सारी बातें जो इन्होंने सिल्क का वगैरह काम किया है ये सारे आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे पेरी प्लस नाम के बुक में मिलेगा पेरी प्लस एक्चुअली बुक का नाम है इसका पूरा नाम है पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पूरे बुक का नाम क्या है पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी लेकिन आपके बुक में सिर्फ पेरी प्लस दिया था याद रखिए और इस बुक के ऑथर के बारे में आज तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली इस बुक के ट्रांसलेटर्स काफी सारे हैं इंग्लिश जर्मन फ्रेंच बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है लेकिन इसका जो वीडियो ओरिजिनल ऑथर है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज तक किसी को नहीं मिली लेकिन इस बुक में इतना तो पता चलता है कि कोई फॉरेनर इंडिया आया था साउथ इंडिया घूमने तब उसने घूम के ये सारी चीजें देखी है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे वीविंग स्पिनिंग जैसे एक्टिविटीज के इनका जो कपड़ा होता था ना बेटा जो ये वीव किए हुए इनके कपड़े होते थे वो इतना सुपीरियर क्वालिटी का होता था कि इसे क्या कहते थे दैट देयर क्लॉथ वाज कंसीडर्ड टू बी एज थिन एज द स्किन ऑफ स्नेक आपने देखा है कभी स्किन स्नेक कैसे अपने खाल को यू नो लीव करता है कितना थिन होता है वो चीज उतना थिन ही क्या बनाते कपड़े बनाते और इसके अलावा अगर आज आप अपने फैब्रिक पर देखो तो आप देख सकते हो कि फैब्रिक के थ्रेड्स किस तरह से बुने हुए चेक कर लो बेटा आपने अपने फैब्रिक देख लो आप देख पाओगे कि हाँ ये धागा ऐसा गया है हाँ ये धागा ऐसा गया है
लेकिन इनकी बुनाई इतनी अच्छी हुआ करती थी कि इनके फैब्रिक को अगर आप हाथ में लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि थ्रेड कहाँ से कहाँ गया, इतना अच्छा इनके बुनाई का टेक्निक होता था, वीविंग का टेक्निक सो परफेक्ट। सीजर और नीडल भी पता थे उन टाइम के लोगों को, हाउ टू यूज अ सीजर एंड नीडल। वुड फाइबर नाम का एक थोड़ा कॉस्टली यू नो एक्सपेंसिव क्लॉथ आता था जिसे कौन इस्तेमाल करता था, प्रीस्ट। प्रीस्ट इस्तेमाल करते थे वुड फाइबर को। इसके अलावा प्रीस्टली क्लास यूज्ड टू यूज द वुड फाइबर। बिसाइड्स दिस दे आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ डाइंग, यानी सिर्फ बेरंग कपड़े नहीं पहनते थे लोग, रंग बिरंगी कपड़े पहनते थे, कलर्स लगाते थे क्लोथ्स को। Besides all these, पहले क्या देखा हमने, एग्रीकल्चर देखा, उसके बाद स्पिनिंग वीविंग यानी क्लॉथ का मैन्युफैक्चर देखा। इसके अलावा ये शिप बिल्डिंग भी करते थे, शिप बिल्डिंग क्या करते थे, मेटल वर्क क्या करते थे, और क्या करते थे बेटा, कार्पेंट्री थी, और रोप मेकिंग, टैनिंग क्या होता है बेटा, लेदर को टैन करेंगे ना, लेदर को जो चमड़ा रहता है उसे पतला बनाने के बाद ही आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप रॉ लेदर तो नहीं यूज कर सकते हो, तो टैनिंग क्या है, लेदर को बनाने का तरीका। अभी आप क्या करते हो, रोप यूज करना हो तो आपको कॉटन रोप्स मिल जाते हैं या तो नायलॉन रोप्स मिल जाते हैं। उस जमाने में उनका एक अलग ही तरीका होता था रोप मेकिंग का, वो भी वो लोग करते थे। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हाथी बहुत ज्यादा है साउथ इंडिया में, आप जानते हैं, तो आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स के लिए यूज। अब से आगे पढ़ेंगे हम ट्रेड कैसे हुआ करते थे, बहुत ही ब्रिस्क ट्रेड हुआ, ब्रिस्क ट्रेड है बना कुछ जल्दी से जल्दी बिक जाता था, जो भी बनाते थे वो बिकता था, कुछ भी ऐसा लॉस में लोग का कभी नहीं जाता। और ये ट्रेडिंग में जो भी यूज करते थे बेटा, कार्ड्स यूज करते थे, मतलब एक बड़ा सा ऐसा इनका लोडेड कार्ड होता था, इस पे बीड्स लगा के बैलगाड़ी को भी दवा में लगाकर वो ले जाते, ये मेरा बैल है आप देखने, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स ऐसे ही जा रहे हो तो क्या करेंगे हम, कारवा, हिंदी में कारवा, इंग्लिश में कारवा, इस तरह से वो बिता रहे। और उस समय में क्या था बेटा, हर चीज कैसे बिकता था, बार्टर सिस्टम। कौन बताएगा बार्टर सिस्टम क्या है, अगर वेजिटेबल्स उगाता हो और अगर जो दूसरा आदमी वो सोना व्यवहार हो रहा है, सोना नहीं ज्यादा चीज देना पड़ेगा, थोड़ा सा सोना मिलेगा तेरे को। बेसिक इनका क्या था, एक्सचेंज मोड बेटा पैडी, पैडी है उनको क्या करते सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते। हर जगह पे पैडी चलेगा क्या, अगर आप नमक खरीदने जाओ तो आप क्या लेके आओगे बेटा, पैडी लेके आओगे, राइस का जो क्रॉप्स उसका भी कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। और अगर आप शहद खरीदने जाओ, शहद यानी हनी और रूट्स, अगर हनी और रूट्स खरीदने जाओगे तो क्या दोगे बेटा, फिश ऑयल। इसके अलावा आप अगर शुगर केन खरीदने जाओ या टॉडी खरीदने जाओ, टॉडी एक टाइप का अल्कोहल इंग्रेडिएंट है,
यस टॉनी शुगर केन या राइस फ्लेक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फ्लेक्स करते थे वो राइस का अवर। यस से राइस फ्लेक्स टॉनी या शुगर केन खरीदने का कभी क्या होगी बेटा? एरेक, एरेक अल्कोहलिक ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक है बेटा। टॉडी भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, एरेक भी अल्कोहलिक ड्रिंक है। जहां तक मैं जानती हूँ टॉडी इज नो मिल्स फ्रॉम सम फ्रूट और एरेक एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, इसका भी गलत तरीका होता है बनाने का। शायद वो एरेक नट से बनता हो, एरेक बिकॉज इट इज साउंडिंग सिमिलर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, चेक कर लें। और जो हम बड़े बड़े आजकल कहा जाते हैं शॉपिंग करना है तो आप मॉल में जाओगे शॉपिंग करने, आपको हर चीज मॉल में मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम पे मॉल नहीं थे, लेकिन बड़े बाजार कभी भी बिग मार्केट, दीज बिग मार्केट्स वर कॉल्ड अग्रवी बिग मार्केट्स को बेटा क्या कहेंगे अग्रवी। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे एक्सपोर्ट के भी चीजें आती थी, फॉरेन कंट्रीज से भी ये माल लाया करते थे, अपने चीजें फॉरेन कंट्रीज में भेजा करते थे, पेपर जिंजर कार्डमम सिनेमन ये सारी चीजों का इनका व्यापार होता था। आज भी आप चाउ के लिए जाओगे तो इट इज वेरी फेमस फॉर व्हाट, स्पाइसेस, स्पाइसेस आपको हर तरीके की मिलेंगी वहां पर। पोर्ट सिटीज जो थे वो पोर्ट सिटीज भी बहुत ज्यादा फेमस थी, यानी अगर मान लो यहाँ लैंड है और यहाँ पर कोई छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए गए हो तो यहाँ पर बेटा क्या होता था, लोग इस तरह के घरों में रहते थे। ये दो फ्लोरेड घर होता था, ऐसा इतना ही आता है मुझे ड्रॉइंग, मैं क्या करूँ इससे बेहतर नहीं बना सकती, इसी में समझ लो। ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना बेटा, इनका ग्राउंड फ्लोर, इसमें ही क्या करेंगे सारा माल रखेंगे, स्टोर करेंगे, या स्टोरेज का अगर थोड़ा जगह ले लिया हो तो बाकी सारे जगह पे क्या करेंगे, दुकान चलाएंगे, शॉप रख सकते हैं नीचे, और ऊपर इनके क्या होंगे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, समझे। तो पोर्ट वाले रीजन में जहाँ पे आपको शिप्स आती जाती मिलेंगी वहां क्या होगा, इस तरह का दो डबल फ्लोरेड घर आपको मिलेंगे, दो तरीके के घर, अपर फ्लोर्स अगर लोअर वंस आर सेट अपार्ट फॉर बिजनेस। फिर इसके अलावा बहुत सारे आपको दो तीन वहां बीएसएनयू इन द पांडा कंट्री एंड बंदर इन द चेरा, जो कल मैंने दिया है लिस्ट उसमें दो चीजें ऐड कर लो, सरयू जो है वो पांडा कंट्री का पोर्ट है, एक और ऐड कर लो सरयू कहाँ पे है पांडा का, और बंदर कहाँ का है बेटा, बंदर मतलब वो वाला बंदर नहीं जो एनिमल है, वो मस्जिद बंदर भी तो है, बंदर हाँ। तो ये बंदर कहाँ का है, चेरा का, ये दोनों भी क्या है बेटा कोर्ट्स है, तो कोर्ट्स वाले सेक्शन में आप इन दोनों को भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे उस चार्ट में, ठीक है। देन द ऑथर ऑफ पेरिप्लस बुक मैंने बताई थी अभी, पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से रोमन एम्पायर के साथ प्ले होता है। अगर आप भी आज भी अगर आप इस पोर्ट वाले एरिया में जाओ और खुदाई करो तो आपको उस जमाने के रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रोमन गोल्ड कॉइन्स, जाओगे बेटा आप खोदने, गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले वो भी वीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारा मिलेगा कि किस तरह से रोमन एम्पायर के साथ ये ट्रेडिंग हो। अब उस बुक में तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नाम तो नहीं लिख सकते ना वो, क्योंकि वो कहाँ के थे, फॉरेन के थे, तो उन्हें तो ऐसा पेरू की मैं भी नहीं कह सकती उनका है नाम उसके लिए, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ के पोर्ट्स को अलग अलग नाम दे दिए। उन्होंने नाम क्या दिया बेटा, इन्होंने उस कैन्नौर पोर्ट को नौरा नाम दिया है। तोंडी पोर्ट के बारे में सुना था आप लोगों ने, तोंडी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, तोंडी किसका था बेटा, चेरा का था, चेरा का पोर्ट तोंडी था, तो तोंडी पोर्ट को इन्होंने क्या नाम दिया है, टिंकलिस, टिंकलिस नाम दिया है तोंडी, टिंकलिस नाम दिया है बेटा, यहाँ है इस बुक में, तो यहाँ
यहाँ तो क्लिस दिया है बाप, डिस पढ़ो या डिस पढ़ो, स्पेलिंग आपके बुक में है और यहाँ पे तो स्पेलिंग इसके अलावा जो मुजीरिस पोर्ट है उसका इन्होंने नाम दिया था, जो पुराना नेम इनका नेम था तमिल नेम वो है मुसीरी या क्रैंगनोर, और कोट्टायम पोर्ट को इन्होंने क्या कहा, नेलेक्ट्रिडा, नेलेक्ट्रिडा ऐसा ही पढ़ने को आ रहा है मुझे तो, नेलेक्ट्रिडा, ठीक है। तो ये सारे क्या बेटा अलग अलग पोर्ट्स थे जिनके मेंशन यहाँ दिए गए हैं। और का नाम author of the Pericles mentions Uriya Yule as the place to which were sent to all the pearl that were gathered on the coast and from which muslin was exported. जो पर्ल होता था बेटा, मोती, मोतियों का कारोबार तो ये लोग करते होंगे, yes, तो मोतियों का कारोबार सारा कहाँ होता था, Uriya Yule port से होता था, और मसलिन क्लॉथ यानी आपका जो उसे क्या कहते हैं मलमल का क्लॉथ होता है जो लाइनिंग के लिए आप लगाते हो, इस्तेमाल करते हो, वो वाला क्लॉथ भी यहाँ से आता है। ये मलमल का जो क्लॉथ है उसका बेहतरीन क्वालिटी आपको कहाँ मिलती थी, आंध्र प्रदेश, यस। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन स्ट्रक बाय ऑल द रोमन एम्परर्स डाउन टू द Nero found in the interior of the Tamil land testify the extent of their trade. वही मैंने बताया आप अभी भी जाओ खोलो तो आपको क्या मिलेगा? कहाँ के? रोमन के। So we have completed with the Sangam age. Now we are going to start with Jainism and Buddhism. वरना मनस्वी तो मुझे क्लास से बाहर कर देगा। आठ तारीख को वापस आती हूँ। ठीक है। आपको मैं बुद्धिज्म सबके एग्जाम में हो गया तुम्हारा एग्जाम क्या क्या एग्जाम है बेटा टूटा तो है नहीं जिंदगी भर के लिए, पढ़ना तो है बेटा।